एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो है ये कार्तिक मुझे लेके आया है एक पुल में, जो कि हमारे गांव के साइड ही है। लेकिन ये कौन सा पुल है मुझे नहीं मालूम, कौन सा पुल है ये पुल? विजयनगर से सिल्ला गांव तक जाता है। अच्छा, विजयनगर से सिल्ला गांव तक जाता है, इसकी आवाज शायद से आने होगी, थोड़ा हल्का बोलता है। मतलब सिल्ला गांव तक तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ से सिल्ला गांव के लिए एक पैदल रास्ता भी है। अच्छा, वहाँ सड़क है, लेकिन ये इस तरफ के पहाड़ को जोड़ता है पुल। और यहाँ पे कोई सड़क का पुल नहीं है फिलहाल, वो बहुत आगे है। यहाँ पर ये पैदल पुल है, ताकि यहाँ के लोग सामान लेने यहाँ आ सके और फिर वापस जा सके। अच्छा, तो मैं दिखा रही थी यहाँ नीचे नदी कैसे चल रही है, अभी मतलब बारिश हुई है ना, तो इसलिए। तो अभी मुझे ये बता रहा है कि सिल्ला गांव है उस साइड ना पार, यहाँ से ऊपर चढ़ाई। अच्छा, यहाँ से ऊपर चढ़ाई है तो उस पार सिल्ला गांव है। बाकी ये पुल जो है मतलब थोड़ा इन लोगों के लिए भी है, यहाँ पे यहाँ से क्रॉस होके जाया जाता है यहाँ से। बाकी ये नीचे नदी देखो, काफी आवाज कर रही है नदी, और बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा है। सारा का सारा जो है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि आवाज जो है इस नदी की वजह से नहीं आ रही होगी, बहुत ज्यादा आवाज कर रही है नदी। जो ये नीचे नदी है ये है मंदाकिनी नदी, और मतलब काफी अच्छा सा फ्रेश जैसा लग रहा है, मतलब मूड बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। यार अभी हम लोग जो है इवनिंग वॉक करने आए यहाँ पे। अच्छा, इसका भी कैमरा निकल गया। ये पुल जो है थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है और ये उछल रहा है इस पुल में, मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि पुल को देखे तो डर ही लगता है यार, कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, तो इसलिए। शनिवार है वैसे भी, मसाण होगा शनि, बस इसका तो यही रहता है कि मसाण होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता ऐसे। चुप, दिमाग में अगर यही बैठा के रखेगा मसाण ये है तो मसाण सच में होगा, नहीं फ्री हो गए चला कर चलिए उससे। तो नहीं होगा मतलब, मैं लोगों को देख रही हूँ कि ना लोग जो है यहाँ पे मतलब पुल पार से इधर इस साइड आ रहे हैं पानी भरने के लिए। उस साइड पानी नहीं आता क्या? यहाँ पे हैंडपंप है ना बाहर पे, लेके पानी आता। अच्छा, हैंडपंप से पानी लेने आ रहे हैं मतलब लोग उस साइड, मतलब उस साइड जा रहे हैं पुल पार। अच्छा, पीने के लिए लेके जा रहे होंगे ना वहाँ, बाकी तो आता होगा। इस लड़के ने बोला ये, अरे बदतमीज मत कर, इसने मुझे बोला कि ये जो है पैदल पुल है और यहाँ तो लोग स्कूटी भी लेके आ रहे हैं, भाग यहाँ से बदतमीज करेगा, झूठ झूठ बोल रहा मुझे है। ये देखो ये देखो, दूसरा आदमी भी गया यहाँ से, और बारिश स्टार्ट हो गई है, और इसने कितना झूठ बोला, बारिश आ गई, भागो। हम लोग जो है छाता नहीं लेके आए, कुछ भी लेके आए, बारिश स्टार्ट हो गई है, भागो पुल में, भाग। तो ये है कार्तिक का छोटा भाई, हमारा वासु, बहुत स्मार्ट बंदा ये, जरा चश्मा निकाल लिए तब कैसा लगेगा देखता। यह हमारा हैंडसम बॉय, बिल्कुल मस्त तरीके से हाय तो बोलते लोगों को, हाय, इसका तो स्टाइल ही अलग है, हाय। चल अब रोटी बनाते हैं, चलो। सेम व्लॉग एंड नेक्स्ट डे, और हम लोग आए हैं अभी सब्जी लेने के लिए, हम लोग आए हैं स्वार घाट में सब्जी लेने के लिए। इस जगह का नाम जो है स्वार घाट है, जहाँ सब्जी मिलती है, और बहुत सुंदर सा नजारा। तो हम लोगों को जो है सब्जी लेने जाना है वो ऊपर, और जो है बारिश की वजह से फिसलन हो रखी है यहाँ पे, काफी लोगों ने जो है सब्जी बो रखी है, तो काफी लोग जो है गांव के यहीं से सब्जी लेके जाते हैं फ्रेश फ्रेश। सब्जी नहीं है ऊपर, अभी और ऊपर जाना है बोला, सब्जी खाने। अच्छा, और ऊपर जाना है अभी, क्या क्या सब्जी होगी उधर कुछ पता है? उधर कद्दू होगा, कद्दू बिना बैंगन होगा और तो नहीं है।
खीरा बैंक। अच्छा तो क्या फायदा फिर ऊपर चढ़ के रे जा रहे। ओए हीरो चलने। यहाँ ऊपर से कुछ ऐसा नजारा दिखता है, यहाँ जो सब्जी बोते होंगे उनकी झोपड़ी है और सामने जो है नदी बह रही है, बहुत अच्छा सीन है। अभी मेरे साथ का वो चले गया ऊपर, सब्जी तो बहुत महंगी पड़ गई भाई, इन्हें चढ़ाई में लेने जाओ। और ये रास्ता यहाँ का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि लोगों ने जो है जो यहाँ रहते होंगे उन्होंने टमाटर वगैरह लगा रखा है और ऊपर कुछ शायद से बीन्स भिंडी पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। तो यहाँ से जो है इस एरिया से हम लोग सब्जी लेंगे। तो हम लोग सब्जी लेने इसलिए आए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मिलती है और बरसात में थोड़ा पहाड़ों में जो है दिक्कत हो जाती है और मार्केट के साइड जो है फ्रेश सब्जी नहीं आ रही थी, मतलब सड़ी वड़ी ऐसे आ रही थी। तो इसलिए जो है हम सीधा वहीं पे आ गए जहाँ पे जो है सब्जी वगैरह मिलती है। एंड यहाँ पे कुछ नेपाली रहते हैं जो ये करते हैं, मीन्स ये खेत वगैरह सब्जी वगैरह जो लगाते हैं। यहाँ है समीर साइड, वो है शायद से इनकी मालकिन। तो इसलिए हम जो है हमने सोचा आज फ्रेश सब्जी खाते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पे। ओके यहाँ पे तीन मुर्गियां हैं, डर रही हैं शायद से। ये थोड़ा सानुवा जैसे लग रही है। एक तेरे जैसे देख, एक तेरे जैसे देख, ये देखो इसके जैसे लग रही है एक कुकड़ू। चलो सॉरी सॉरी, ठीक है, बाय बाय बाय, नहीं करेगी डिस्टर्ब, बाय। ये ऊपर जो है सारा का सारा जंगल है, पूरा जंगल, और यहाँ नीचे जो है खेतों में सब्जी बोर के, ओ वहां तक जहां तक दिख रहा है वहां तक जो है सब्जी है सारी, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है इनमें से। तो हम लोगों ने सब्जी ले ली है, सब्जी के नाम पे हमको क्या मिला है, कद्दू खीरा बस, क्योंकि सब्जी थी नहीं यहाँ पे। ये देखो कैसी भयंकर जगह से जाना पड़ रहा है सब्जी लेने के लिए। ये है अपनी गांव की लाइफ। ये पहुंच गया नीचे, कद्दू का बेल लगा तो है लेकिन इसमें कद्दू नहीं लगे होंगे। मक्की है लेकिन अभी छोटा है। तो कौन उड़ाएगा फिर? सो शी इज माई सब्सक्राइबर और ये मुझे मैसेज करती है, मुझे आज पता चला कि ये मैसेज करती है मुझे। और इनकी मम्मी भी आई है, कहाँ ये हाय। अच्छा दीदी हो हमारे ना, ठीक है करो करो शॉपिंग करो। आप लोग यहीं रहते हो क्या? अच्छा ठीक है, चलो फिर चलो आ जाओ, आओ बाय। ये हमारे शॉप में एक आया है बंदा, 50 रुपीज लेके आया है, बोला 20 रुपए का जो है इसको गुड़ चाहिए और 30 रुपए का सोच रहा भी क्या खाना है। क्या खाना बता, क्या खाना बता बता, इसकी नौटंक कैसे नौटंकी है रही। क्या खाने बता, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। अरे बता क्या चाहिए, ये तो एक्टर को भी फेल कर दिया उसने। बेटा जल्दी बोल बेटा, कोल्ड ड्रिंक दे दो। ठीक है, कौन सी वाली कोल्ड ड्रिंक पिएगा? 20 और 10 30 का गुड़ हो गया, 30 रुपए बच गए इसके। ऐसे बोल रहे आज मैंने सब खा दिया, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या। चल 10 का लेज हो गया, 20 का इसको कोल्ड ड्रिंक दे दे, 20 का कोल्ड ड्रिंक दे दे इसको, स्प्राइट। ले हो गया तेरे 50 रुपीज। इसके डॉगीज भी हैं क्या ये? वाह कितना अच्छा डॉगी है यार, भाग गया उसके साथ एक मेरा वाला। तो हमारा एक दोस्त आया है यहाँ पे, इसको हमने दिया है केला एंड रस क्योंकि कुछ था नहीं यहाँ पे रोटी वगैरह। खा बेटा खा, आराम से खा, ठीक है। इसको बंदरों ने मार दिया था तो इसका पैर और वो मतलब हाँ मारा था ना इसको, तभी तो इसके पैर और उसमें बता रहे थे। अच्छा काटा था इसको, अच्छा काटा था।
हाँ, अरे उसके दांत ना चल नहीं पा रहे हैं ऐसे। अरे कुछ नहीं करेगा वो।